दोस्तों, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल किसकी सियासी लंका ढहा देंगे? हनुमान बेनीवाल जाट नेता हैं, उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी पार्टी है, जिसने चंद्रशेखर रावण, उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी के साथ समझौता किया है। तो ये जाट दलित एक कम्बिनेशन सामने दिख रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने 3 विधायक विधानसभा पहुंचाए थे, जिसमें से 2 दलित समुदाय के थे। ऐसे में आपको क्या लगता है? मैं बताऊं आपको, हनुमान बेनीवाल किसकी सियासी लंका ढहा देंगे? बस थोड़ा इंतजार करिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक नया गठबंधन सामने आया है, हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी का। राजस्थान में जाट बहुल इलाके नागौर और उसके आसपास में, जिसमें हनुमान बेनीवाल का ठीक ठाक होल्ड बताया जा रहा है। चूंकि जाट समाज अपना प्रतिनिधित्व कम होने से कांग्रेस और बीजेपी से नाराज है, ऐसा हनुमान बेनीवाल को लगता है, इसलिए जाट बड़ी संख्या में उनकी तरफ आ सकता है। अभी राजाराम मील, जो जाट महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी दोनों पार्टियों से आग्रह किया कि 40-40 सीटों पर कम से कम जाटों को उतारा जाए। अभी विधानसभा में 30 के आसपास जाट हैं। पहले एक वक्त था जब 40 के आसपास जाट होते थे। जाटों का कहना है कि 50 सीटों पर वो निर्णायक असर रखते हैं, 120 सीटें पर हार जीत का फैसला जाट वोट के बिना होता नहीं है। दलित सीटें कुल मिलाकर 34 सीटें हैं, जिसमें से आरएलपी के हिस्से में 2 सीटें आई थी। एक निर्दलीय बाबूलाल नागर जीते थे और उन्होंने कांग्रेस की मदद की थी। बाकी की बची हुई सीटों में से कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और 12 सीटें बीजेपी के पास गई थी। तो कुल मिलाकर मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है, और छोटी पार्टियों का महत्व किस लिए है, ये भी जानना ज़रूरी है। और मुझे क्यों लगता है, मुझे लगता है कि ये जो जाट और दलित कॉम्बिनेशन है, जहां जहां आरएलपी मजबूत है, वहां पर वो कांग्रेस की जगह बीजेपी को थोड़ा ज्यादा नुकसान कर सकती है, ऐसा जानकारों का कहना है। उनका कहना है कि इन इलाकों में कुल मिलाकर जो कांग्रेस विरोधी वोट है, वो बीजेपी और इस नए कॉम्बिनेशन के बीच बट जाएगा। और अगर ये नया कॉम्बिनेशन ठीक ठाक तादाद में वोट पाने में कामयाब हुआ, आखिर पिछली बार भी करीब 8.5% वोट मिला था और कुल मिलाकर करीब 3.25 करोड़ वोट पड़ा था पिछली बार, जिसमें से 76 लाख वोट ना तो कांग्रेस में हिस्से में गया था ना बीजेपी के हिस्से में गया था। तो इस 76 लाख वोट को टारगेट करने की कोशिश आरएलपी और आजाद समाज पार्टी कर रही है। एक और तर्क इसलिए भी दिया जा सकता है कि आरएलपी कांग्रेस के बजाय बीजेपी का ज्यादा नुकसान कर सकती है, वो ये है कि पिछले 2-3 साल में जो आम उपचुनाव हुए, उपचुनाव में आरएलपी ने बीजेपी का ठीक ठाक नुकसान किया। एक जगह तो वो बीजेपी को तीसरे या चौथे नंबर पर खिसका दिया था, एक और जगह भी वो उसको जितना वोट पड़ा था वो बीजेपी से ज्यादा वोट पड़ा था। तो कम मार्जिन की सीटों पर ये असर खासा दिलचस्प हो सकता है। और फिर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की, वो उन इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पर मायावती की पिछली बार 6 सीटें निकली थी। तो दलित सीटें, जहां पर दलित वोट थोड़ा ज्यादा संख्या में है, जो सुरक्षित सीटें हैं, ऐसे में भी अगर दलित वोट का बंटवारा मायावती और आजाद समाज पार्टी के बीच में होता है, तो इससे स्वाभाविक फायदा जातीय समीकरण के अनुसार कहीं कांग्रेस को, कहीं बीजेपी को, ज्यादातर जगह कांग्रेस को हो सकता है, ऐसा मोटे तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि मैं निश्चित तौर पर इस पर नहीं कह सकता, इस पे मेरी थोड़ी सी स्टडी कम है, लेकिन छोटी पार्टियों का महत्व जानना जरूरी है राजस्थान में। देखिए, कुल मिलाकर राजस्थान में 200 सीटें हैं। आप अच्छा कल्याण सिंह चौहान का नाम जानते हैं क्या? 2008 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, नाथद्वारा विधानसभा सीट याद कीजिए, सीपी जोशी कांग्रेस के दिग्गज नेता को याद कीजिए, जिनकी प्रबल संभावना थी अगर कांग्रेस जीती तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कल्याण सिंह चौहान ने सिर्फ और सिर्फ एक 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 सिर्फ एक वोट से सीपी जोशी को हरा दिया था।
यानी हम उस राजस्थान की बात कर रहे हैं जहां पर एक वोट एक नेता को मुख्यमंत्री बनने से रोक देता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना छोटी पार्टियों का कितना असर रहने वाला है इन चुनाव में। थोड़े आंकड़ों की और बात कर लेते हैं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो। पिछली बार 39 सीटें यानी 200 में से 39 सीटें यानी हर पांचवी सीट में हार जीत का अंतर कितना था? हार जीत का अंतर कुल मिलाकर 5000 से कम का था। और इन 39 सीटों में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 14 मिली थी, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 8 सीटें अन्य के खाते में चली गई थी जिसमें एक निर्दलीय भी था। 39 में से 8 कम हार जीत के अंतर वाली में से 8 सीटें अगर अन्य पार्टियां छोटी पार्टियां ले जाती हैं तो आप मानकर चलिए कि मुकाबला किस कदर दिलचस्प है। और ऐसे में किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना या कुछ भी कह पाना क्यों खतरनाक है। 500 के कम अंतर से 3 सीटें हारी जीती गई जिसमें से बीजेपी ने 2 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1। 500 से 1000 के अंतर में 6 सीटें जीती गई जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 गई, कांग्रेस के खाते में 4। 1000 से 2000 का फासला 7 सीटों में रहा, 5 बीजेपी 2 कांग्रेस। 2 से 3000 में दोनों के हिस्से में 2-2 सीटें आई। 3 से 5000 की 19 सीटें थी जिसमें से 6 कांग्रेस ने जीती, 6 बीजेपी ने जीती और 7 अन्य के खाते में गई। यानी अन्य जहां जहां पकड़ रखते हैं वहां पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, ये इस बात से इसका अंदाजा होता है। और भी आगे चलते हैं और दिलचस्प है, देखिए 5 से 10000 के अंतर से 33 सीटें हारी जीती गई, बीजेपी 15, कांग्रेस 13, लेकिन अन्य के खाते में 5। ये 5 का आंकड़ा पर ध्यान रखिएगा। 10 से 20000 के अंतर में 65 सीटें जीती गई, 18 बीजेपी ने जीती, 38 सीटें कांग्रेस ने जीती। यानी इन सीटों पर 38 सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत थी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब इनमें से एंटी इनकम्बेंसी के कारण कुछ विधायकों के टिकट इसलिए भी नहीं काटेंगे क्योंकि कांग्रेस को लगा कि जब पिछली बार अंतर इतना था तो इस बार आखिर कितना वोट कम हो जाएगा, जीत का मार्जिन कम हो जाएगा लेकिन चुनाव निकालने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कांग्रेस को लगता है। मुझे इसमें शक है। 9 सीटें यहां अन्य के खाते में गई। 20 से 50000 के अंतर में 59 सीटें जीती गई जिसमें से 22 कांग्रेस बीजेपी ने जीती, 32 कांग्रेस ने जीती, लेकिन 5 अन्य भी जीत गए। 5 अन्य भी, यानी 20 से 50000 का मार्जिन लेकर जहां जिस राज्य में 5 अन्य छोटी पार्टियों के या बागी या निर्दलीय जीत रहे हो तो वहां आप मानकर चलिए कि अगर छोटी पार्टियों का गठबंधन बन जाता है, 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को या कांग्रेस को उठा मिल सकता है। और बीजेपी का नुकसान की बात बार बार इसलिए की जा रही है क्योंकि कांग्रेस को जो वोट नहीं देगा वो अगर ये छोटी पार्टियां नहीं होती या छोटी पार्टियों में गठबंधन नहीं होता तो स्वाभाविक तौर पर पूरा का पूरा वोट बीजेपी के खाते में जाता। लेकिन अब वो वोट बट जाएगा, बट जाएगा तो जातीय समीकरणों में किसी का भी समीकरण हार जीत का बिगाड़ सकते हैं। 50000 से 1 लाख के अंतर से भी 4 सीटें जीती गई थी जिसमें कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आई थी और बीजेपी के हिस्से में 1 आई थी। इसमें सचिन पायलट की सीट भी शामिल है जो 54000 वोटों से जीते थे। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और आने वाले दिनों में जिनको बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सीटों पर अभी उम्मीदवारों का नाम घोषित भी नहीं किया है बहुत सारी सीटों पर, तो अंतिम समय में किया जाएगा ताकि इन लोगों को आरएलपी एएसपी गठबंधन में या आम आदमी पार्टी में या कहीं और जाने से थोड़ा रोका जाए, थोड़ा डिले किया जाए। तो दोनों बड़े दल घबराए हुए हैं छोटी पार्टियों के चक्कर में। छोटी पार्टियों को पिछली बार 21% वोट मिला था करीब। इसमें आप देखिए कि मायावती की पार्टी को 5.68% वोट मिला था और बाकी 9% वोट अन्य के खाते में गया था। तो एक तरफ ये फर्क है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने 44 जगह उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं शहरी क्षेत्र में। ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के साथ कांग्रेस ने पिछली बार समझौता किया था, 1 पर वो जीती थी आरएलडी। इस बार आरएलडी 5 चाहती है और समझौता की वार्ता चल रही है। सीपीएम को 3 सीटें मैक्सिमम बीच में इस बार मिली थी पिछले कुछ चुनाव में
और इस बार वो समझौता चाहती हैं एक दो सीटों पर सीकर साइड की, लेकिन वो समझौता हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये देखना दिलचस्प है। एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पिछले 50 साल में सियासी जमीन तलाशने 124 पार्टियां राजस्थान में आई, इसमें ABCD VIP नाम वाली पार्टियां भी थी, अब 40 से लेकर 50 ही सक्रिय हैं, तो मोटे तौर पर बाइपोलर है। और जब बाइपोलर चुनाव होता है यानी एक तरफ इंडिया है एक तरफ NDA है, या एक तरफ कांग्रेस है एक तरफ BJP है, एक तरफ अशोक गहलोत है एक तरफ मोदी है, चलिए इसे मान लें एक तरफ गहलोत है एक तरफ मोदी है, तो फिर छोटी पार्टियों की भूमिका कायदे से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर जाति के आधार पर वोट पड़ा, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उसके हिसाब से वोट पड़ा कैंडिडेट को देखकर, क्योंकि राजस्थान में एक दिलचस्प चीज है कि 33 से लेकर करीब 40% वोटर उम्मीदवार को देखकर वोट देता है, उम्मीदवार को देखकर, वो ना नेता देखता है ना चेहरा देखता है ना वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है वो देखता है या नीतियां योजनाएं नहीं देखता है, नेता कौन है उनका उम्मीदवार कौन है उसके हिसाब से उस पार्टी को आंकलन करता है, उस हिसाब से मुख्यमंत्री के चेहरे का आंकलन होता है और फिर वो वोट देता है, तो ऐसे में भी बड़ी भूमिका हो जाती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।